यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्पेशली जो पाकिस्तान के ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ हमारे पास आए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके बगैर हमारा फंक्शन जो है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं, अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो हम नहीं हैं। उसके बाद वो लोग हमारी मैनेजमेंट के लोग, हमारे वर्किंग बोर्ड के लोग और हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो अपना टाइम सेक्रीफाइस करके हमारे साथ जो है वो हमारा हेल्प करते हैं, मैं उन लोगों का भी थैंकफुल हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं और जिन्होंने हम लोगों को इस फंक्शन को अरेंज करने के लिए सपोर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फारूक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट पंजाब ने ऐसा एक्शन लिया है कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा यूरोप के 5 कंट्री जो विज़िट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस पे थोड़ा सा और एक्शन लेना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए पहले था कि यहाँ पे NTS अरेंज करते थे, उनके लिए टेस्ट होते थे, तो ये एक आपकी जनरेशन जो ऑलरेडी प्रिपेयर होने को है इन पे भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और इनके लिए एक जॉब बैंक क्रिएट करें, इनको वापस लेके जाएं पाकिस्तान। ये आपकी एफर्ट है और मैं बहुत खुश हैं कि हम PSA के प्लेटफॉर्म पे हमने इतना बड़ा इवेंट किया इन स्टूडेंट्स के लिए और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया, और एट द एंड स्टूडेंट्स वर रियली वेरी हैप्पी एंड इनकरेजिंग द एफर्ट ऑफ PSA। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शारिक जावेद एंड आई एम द फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। As the Farooq has already told you about what our achievements and the things are. Bismillahirrahmanirrahim. ये सबसे ऑनर की बात है कि हमें यह आज मौका मिला कि जो टॉप पोजीशन होल्डर्स थे वो पाकिस्तान से यूरोप के टूर पे जब आए और सबसे पहला उनका डेस्टिनेशन स्टॉकहोम था, और हमें एक बंदे ने ब्रिज काम किया और उन स्टूडेंट्स को जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ से भेजा था विजिट करने के लिए, हमें उनके साथ कनेक्ट किया और हमने उनको आज दिन के टाइम स्टॉकहोम विजिट भी कराया। उसके बाद हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हमने उनको एक उनके एजाज़ में एक एशिया दिया, एक डिनर दिया। दूसरी गवर्नमेंट्स को और फेडरल को भी इस पर खास बजट एलोकेट करना चाहिए एजुकेशन के लिए, और हाँ हमने उन लोगों को कोशिश की कि हम उनको इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि वो जब भी अपनी हायर एजुकेशन के लिए तैयार हों और यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो उसमें वो जो है स्वीडन को कंसिडर करें। हमने उनको स्वीडन की हायर एजुकेशन की क्लियर पिक्चर देने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन स्टॉकहोम जो है उसकी कारकर्दगी के बारे में भी कुछ बताया है उन्हें कि ये किस तरह से स्टूडेंट्स को, नए आने वालों को और जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको किस तरह से एंटरटेन करती है, उनके मसाइल को किस तरह से एड्रेस करती है। तो इट वॉज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस टुडे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा इवेंट हुआ आज, जो ये पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो हैं हमें पंजाब से स्पेशली जो टॉप होल्डर्स हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, स्कूल्स की, ताकि उनको यूरोप की यूनिवर्सिटी का एक अच्छा विजन मिले कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उसको डिफ्रेंशिएट कर सके पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ। इसको मज़ीद ये है कि इसको इनक्रेज करना चाहिए फेडरल लेवल। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो स्टूडेंट्स ने किए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जो फेडरल लेवल की गवर्नमेंट जो रहती है वो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स से हैं जो क्रीम में जो टॉप होल्डर्स हैं लास्ट सेशन में वो आए यूनिवर्सिटीज को विजिट करें, देखें एजुकेशन डिफरेंस जो आइडिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ उसको ट्राई करें अपने पाकिस्तान में वापस लेके जाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। दूसरा, इनके रिसेप्शन के लिए जो PSA ने आज से ये शाम को एक इवेंट रखा था इनके रिसेप्शन के लिए, बड़ा अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइज इवेंट था, उनके लिए इन्फॉर्मेशन सेशन एक रखा गया जो उनके जहन में कुछ सवाल थे जो डेफिनेटली जो जो इतनी दूर वहाँ बैठे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमने पूरी कोशिश की है कि उनको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाए, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि थ्रू वेब थ्रू ई मेल्स और जितनी डिस्कशन फॉरम चाहिए उनके थ्रू जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्रोवाइड करें, और इंशाल्लाह PSA के थ्रू ऐसे मजीद इन्फॉर्मेशन सेशन जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और हम इस प्लेटफॉर्म से एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप इसके अंदर खुद आएंगे, मैं भी ऐसे हूँ, आप ऐसे सब भी ऐसे हैं, जितने लोग आएंगे इसके अंदर इसको देख के आगे चलेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कामयाब ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। जैसे पहले भी इवेंट कामयाब होते रहे, आज का भी अलहमदिल्ला काफ़ी कामयाब इवेंट था, तो आप लोग आगे आएंगे इसमें वर्चुअल के हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनेगा। थैंक यू।